ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कणकण में स्वाद, कणकण में भारत। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव शुरू होते ही तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई है, और सबसे ज्यादा अटकलें तेज हैं गुलाम नबी आजाद को लेकर। गुलाम नबी आजाद हैं तो जम्मू कश्मीर में, लेकिन राजनीतिक जमीन की तलाश उनको भी है और उनके राजनीतिक ट्रैक करने वालों को भी। चूंकि गुलाम नबी आजाद कहीं दिख नहीं रहे हैं, इसलिए चुनाव का ऐलान होते ही उनकी कांग्रेस में वापसी की अटकलें शुरू हो गई है। चर्चा तो यहां तक कि अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का विलय करके कांग्रेस में विलय कर सकते हैं, ऐसी भी चर्चा हो रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं अलका लांबा, और उन्होंने आजकल जम्मू कश्मीर में कैंपेन करना शुरू कर दिया है, और इस बार कई बार पोस्टर भी नजर आए। उन तक भी गुलाम नबी वाली खबर पहुंची, या तो उन्होंने खुद से कह दिया या हाईकमान की लाइन बताई कि कांग्रेस का दिल बहुत बड़ा है। कांग्रेस छोड़ने का फैसला उनका अपना फैसला था, हम वापस आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं, और इतना सब कुछ कहा कि बस गुलाम नबी आजाद को लेकर कोई कड़वी बात नहीं कही। अब समझिए कैसे से अटकलबाजी शुरू हो गई। कड़वा कड़वा बोलकर तो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से गए थे ठीक 2 साल पहले, अगस्त में कांग्रेस छोड़ने से पहले मोदी की आंखों के तारे सितारे बन चुके थे, सरकार से पद्म भूषण सम्मान मिला था, और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस में बदलाव के इतने दौर देखे आजाद ने, हर उतार चढ़ाव के साथी और साक्षी भी बने, लेकिन कांग्रेस से टस से मस नहीं हुए। लेकिन जब गए तो राहुल गांधी की मिट्टी पलीद करके और अपनी मिट्टी पलीद कराकर उन्होंने कई सारी बातें कही कि हम कांग्रेस छोड़कर क्यों जा रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने से ठीक पहले गुलाम नबी राज्यसभा नहीं भेजे गए थे। सोनिया गांधी चाहती थी कि आजाद जम्मू कश्मीर में पार्टी को लीड करें, उन्होंने कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी बनाया था। नियुक्ति के कुछ घंटे बाद गुलाम नबी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, स्वास्थ्य कारणों से जिम्मेदारी ठुकरा दी, और फिर 5 पन्नों की चिट्ठी में सोनिया गांधी को सुनाकर कांग्रेस से बाहर आ गए। जाते जाते सारा गुस्सा कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ निकाल कर गए थे गुलाम नबी आजाद। ऐसा माना जा रहा था कि पार्टी छोड़ने से पहले साजिशी गैंग G23 में शामिल होकर फिर कांग्रेस छोड़कर राहुल गांधी पर हमला बोलकर बीजेपी मोदी के ब्लू आयर्ड बॉय बनकर गुलाम नबी आजाद बीजेपी के साथ कुछ टाका फिक्स करेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP बनाई, लेकिन राजनीति बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव ना हो सकी। जब से पार्टी बनी तभी से भगदड़ मची हुई है, ज्यादातर गुलाम नबी के वफादार पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब गुलाम नबी को भी लेकर सवाल और अटकलबाजियां शुरू हो गई है। सबसे लेटेस्ट वापसी ताज मोहिउद्दीन ने की है, जो 45 साल कांग्रेस में रहने के बाद लिहाज में गुलाम नबी के साथ चले गए थे। बचे खुचे नेताओं के भी कांग्रेस के संपर्क में होने की खबरें चल रही है। न नेता, न नारा, न कार्यकर्ता है गुलाम नबी के पास। इन्हीं सब को छोड़कर गुलाम नबी के कांग्रेस में लौटने की अफवाहें शुरू हो गई है, लेकिन गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ऐसी अफवाहें कांग्रेस वाले ही फैला रहे हैं। अलका लांबा के पॉजिटिव बयानबाजी के बाद भी अगर ऐसा कोई इरादा बना भी तो ये सब इतना आसान नहीं होगा कि गुलाम नबी फिर से कांग्रेस में वापसी कर सके। लड़कर राहुल गांधी से गए थे, वापस लेना है या नहीं ये भी राहुल गांधी ही तय करने वाले हैं। इसलिए इतना आसान नहीं है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में वापसी कर ले। 75 साल की उम्र में गुलाम नबी आजाद न 3 में है न 13 में। गुलाम नबी जम्मू कश्मीर के नेता हैं, लेकिन राजनीति हमेशा दिल्ली और संसद वाले की। 1989 के बाद लोकसभा चुनाव नहीं लड़े
1991 से लगातार कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सांसद रहे और ये सिलसिला तब टूटा जब उनका टिकट कटा। 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के सीएम रहने के बाद भी उन्होंने टिक कर जम्मू कश्मीर की राजनीति नहीं की। कांग्रेस छोड़ चुके हैं, बीजेपी में गए नहीं, अपनी पार्टी चली नहीं, अब्दुल्ला और महबूबा की पार्टी में क्या लेने जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है, कांग्रेस जम्मू कश्मीर की बड़ी पार्टी हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। जम्मू रीजन में बीजेपी ने जनाधार बना लिया है और कश्मीर घाटी में कुछ हो नहीं पाया। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच पिसकर रह गई। हालांकि 370 के बाद वाले हालात में कांग्रेस के इंडिया गठबंधन वाले अम्ब्रेला के नीचे दोनों पार्टियां हैं, लेकिन 370 वाले दौर का भी फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में नहीं मिला, जीरो रह गए। इसी वजह से अब कांग्रेस की तो चर्चा है ही, साथ में गुलाम नबी की वापसी की भी चर्चा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आया। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।